नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। नरेंद्र दामोदर दास मोदी एक ऐसी शख्सियत जिनकी लोकप्रियता दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। एक ऐसा नाम जिसने अपने दम पर लोकसभा चुनाव में हैट्रिक लगाई, देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी को फर्श से अर्श पर ला दिया। काम के प्रति ऐसी कर्मठता जो किसी को भी अचंभित कर दे, देश हो या फिर विदेश, चारों दिशाओं में पीएम मोदी का डंका बज रहा है। अब लीजिए, पीएम मोदी ने सोशल मीडिया की दुनिया में भी झंडे गाड़ने शुरू कर दिए हैं। एक बार फिर ट्विटर पर पीएम मोदी का जलवा बोलने लगा है। ट्विटर पर एक्टिव रहने वाले पीएम मोदी हैं जिन्होंने टॉप 3 में अपनी जगह बना ली है, एक नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। लोकसभा चुनाव में कमल खिलाना हो या फिर जन कल्याण योजनाओं से जनता का दिल जीतना, सर्जिकल स्ट्राइक कर आतंकियों को नेस्तनाबूद करना हो या फिर पाकिस्तान की नापाक साजिशों पर फुल स्टॉप लगाना हो या फिर जम्मू कश्मीर को 370 की बेड़ियों से आजाद करना हो, सरकार के इन कदमों से पीएम मोदी की लोकप्रियता में ऐसा इजाफा हुआ कि दिन पर दिन ट्विटर पर लोग उनसे जुड़ते गए। आलम यह है कि ट्विटर पर पीएम मोदी के 5 करोड़ फॉलोअर्स हो गए हैं, जिसके चलते ट्विटर पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले नेताओं की टॉप 3 लिस्ट में वो शुमार हो गए। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को छोड़ दे तो पूरी दुनिया में ट्विटर पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले नेता के रूप में आज पीएम मोदी ने अपनी पहचान बना ली है। बराक ओबामा के जहां 10.08 करोड़ फॉलोअर्स हैं, डोनाल्ड ट्रंप के 6.4 करोड़ फॉलोअर्स हैं, तो वहीं नरेंद्र मोदी के 5 करोड़ फॉलोअर्स हैं। वैसे गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए साल 2009 से पीएम मोदी ट्विटर पर हैं। लोगों के बीच अपनी बात रखने के लिए जिस तरीके से पीएम मोदी ने ट्विटर का इस्तेमाल किया वो वाकई में काबिले तारीफ है। तभी तो साल 2018 में पीएम मोदी के ट्विटर से 4.34 करोड़ फॉलोअर्स थे, जिसके बाद करीब 60 लाख फॉलोअर्स जुड़े और आज ये आंकड़ा 5 करोड़ तक पहुंच गया है। अब अगर अपने देश की बात करें तो 5 करोड़ फॉलोअर्स के साथ पीएम मोदी भारत के सबसे ज्यादा फॉलो करने वाले नेता बन चुके हैं। इस लिस्ट में पीएम मोदी के बाद 1.54 करोड़ फॉलोअर्स के साथ अरविंद केजरीवाल दूसरे नंबर पर हैं। 1.52 करोड़ फॉलोअर्स के साथ अमित शाह तीसरे नंबर पर हैं। 1.41 करोड़ फॉलोअर्स के साथ राजनाथ सिंह चौथे नंबर पर हैं। तो वहीं राहुल गांधी 1.06 करोड़ फॉलोअर्स के साथ 5वें स्थान पर है। उम्दा वाक्पटुता, असाधारण भाषण कला, करिश्माई व्यक्तित्व और तकनीक के प्रति रुझान, अपनी इन्हीं खासियत के चलते अब ट्विटर पर भी मोदी मोदी होने लगा है। वहीं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है जो ये देख फिर से जल भुन गया होगा। साथियों, आज मैं यहां आप सभी के प्रति, पूरे हरियाणा वासियों के प्रति आभार व्यक्त करने भी आया हूं। जिस प्रकार दिल खोलकर प्यार और अपनापन, जैसा मैंने प्रारंभ में कहा, लोकसभा के चुनावों में बीजेपी को दिशा दी, समर्थन दिया, एक नई ऊर्जा दी, यह अभूतपूर्व है। आपने जो विश्वास, जो भरोसा मुझ पर और भाजपा पर जताया है, उसके लिए मैं फिर एक बार आपके सामने विनम्रता के साथ अपना शीश झुकाता हूं। साथियों, मैंने तब भी कहा था कि हरियाणा से मुझे मिली सीख और हरियाणा से मिले मुझे संस्कार हरियाणा के पालन पोषण पर आपको गर्व हो, ऐसा काम करने में मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। ये संयोग ही है कि मैं हरियाणा में ऐसे समय आया हूं जब केंद्र में
भाजपा एनडीए की सरकार के नए कार्यकाल के भी 100 दिन हो रहे हैं। और 100 दिन में कुछ लोगों को तो समझ ही नहीं आ रहा है, कुछ लोग तो चुनाव पराजय से इतने बेहाल है कि मन सुन्न हो गया है उनका। ये 100 दिन विकास के रहे हैं, विश्वास के रहे हैं, देश में बड़े बड़े परिवर्तन के रहे हैं। ये 100 दिन निर्णय के रहे हैं, निष्ठा के रहे हैं, नेक नियत के भी रहे हैं। ये 100 दिन जन संकल्प के रहे हैं, जन सिद्धियों के रहे हैं, जनहित में सुधार के रहे हैं। साथियों, बीते 100 दिन में जो भी बड़े फैसले लिए गए उनकी प्रेरणा और प्रोत्साहन सिर्फ और सिर्फ 130 करोड़ भारतवासी हैं, आप सभी हैं। आपके अभूतपूर्व विश्वास के बल पर ही कृषि से लेकर के राष्ट्र की रक्षा सुरक्षा से जुड़े बड़े निर्णय सरकार ले पाई। आतंकवाद से निपटने के लिए, मुस्लिम बहनों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए और हमारे हेल्थ सेक्टर की बेहतरी के लिए अनेक कानून बनाए गए। इसी तरह अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए अलग अलग सेक्टर्स को मदद करने का रोडमैप रखा गया है। देश में बैंकिंग व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ऐतिहासिक फैसले भी लिए गए हैं। यह भी शुरुआत है जिसका निश्चित लाभ आने वाले समय में मिलेगा। साथियों, इसके अलावा इन 100 दिनों में एक और महत्वपूर्ण काम हुआ है। इस दौरान संसद के सत्र में जितने बिल पास हुए हैं, जितना काम हुआ है, उतना किसी भी सत्र में पिछले 60 साल में नहीं हुआ है। बहुत देर रात तक बैठकर संसद सदस्यों ने चर्चाएं की, विचार विमर्श किया, बहस की, बात किया, विवाद किया, नए नए कानूनों पर चर्चा की। ये मंच बीजेपी का है, लेकिन संसद में रिकॉर्ड कार्यों के लिए मैं सभी दलों को धन्यवाद देता हूं। भाइयों और बहनों, बीते 100 दिन में देश और दुनिया ने देखा है कि हर चुनौती को, चाहे वो दशकों पुरानी हो या फिर भविष्य की हो, भारत अब हर चुनौती को चुनौती देता है। हम चुनौतियों से सीधा टकराना जानते हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का मामला हो या फिर गंभीर होता जल संकट हो, 130 करोड़ देशवासियों ने मिलकर नए समाधान तलाशने शुरू कर दिए।
जम्मू कश्मीर के लद्दाख के करोड़ों साथियों के साथ मिलकर एक नई सोच के साथ उनके सपनों को आकांक्षाओं को पूरा करने में हम जुट गए हैं।